Okay, MySQL, we will cover the MySQL trigger. Okay, trigger, TRIGGER, trigger. Yes, what is the meaning of trigger? पता है मीनिंग क्या है? जस्ट ऐसे माय एसक्यूएल या तो डीबीएमएस रिलेटेड नहीं पूछो, जनरल व्हाट इज ट्रिगर, हैव यू एनी आईडिया व्हाट इज ट्रिगर? सुना है ट्रिगर? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर? इन जनरल पूछ रही हूँ मैं, आई एम आस्किंग इन जनरल, ऐसे पर्टिकुलर डीबीएमएस के लिए नहीं पूछ रही, ऐसे नॉर्मली ट्रिगर्स मतलब क्या, कब आप वर्ड यूज करते हो ट्रिगर? मैम बटन टू लॉन्च समथिंग। यस यस, वेरी गुड। ओके, जब हम लोग कुछ कॉल्स करना है या तो कुछ हम लोग सेट करे ट्रिगर्स, ठीक है, कुछ इवेंट जब अकर हुआ दैट वी कॉल द ट्रिगर्स, ठीक है, अलार्म, यस, डू समथिंग, यस, अरुण, ओके, तो ट्रिगर्स मतलब क्या, कुछ इवेंट अकर हो रहा है, जब हम कुछ कर रहे, ठीक है, कुछ अलार्म सेट किया तो अलार्म ऑन होगा, ठीक है, तो इवेंट जब अकर होगा कुछ प्रेस करने से या तो कुछ सेट करने से, कुछ कॉल्स, कुछ इफेक्ट, कुछ हो रहा है प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द ट्रिगर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिगर। तो व्हाट इज ट्रिगर इन MySQL? ए ट्रिगर इन MySQL इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, ओके, ए ट्रिगर इन MySQL इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट रिसाइड्स इन अ सिस्टम कैटलॉग, ओके, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर दैट इनवॉल्व ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स to an event, okay, it is a special type of store procedure. Store, what is the meaning of store procedure? मतलब हम लोग क्या करेंगे, a set of instructions, set of command हम लोग क्या करेंगे, बना के रखेंगे, ठीक है, it is a special type of store procedure, okay, हम लोग procedure बना के रखेंगे, that is invoke automatically, okay, वो automatically काम करेगा, in response to an event, okay, in response to an event, कोई event हम लोग करें, what is the event? फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल मेक द ट्रिगर्स, हम लोग ट्रिगर्स क्रिएट करेंगे, ओके, जो ट्रिगर्स हमने क्रिएट किया है बेस्ड ऑन दैट ट्रिगर्स पर, अगर उसके अपोजिट कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, सपोज हमने इंसर्ट हम लोग करे, अपडेट करे, डिलीट करे, यू कैन से कंस्टेंट आप लोग अप्लाई कर रहे थे, ओके, नॉट नल, अगर आप लोग नल रखोगे तो कंस्टेंट आ रहा था, ठीक है, यूनिक, अगर इफ यू विल नॉट एंटर द यूनिक वैल्यू तो यू विल गेट द मैसेज प्लीज एंटर द यूनिक डुप्लीकेट नॉट अलाउड, तो वो कंस्टेंट था, ओके, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंसर्ट, यू आर इंसर्टिंग सम वैल्यूज, ओके, आप और वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, और इफ यू वॉन्ट टू पुश एनी कंडीशन, आपको कंडीशन पुश करना है कि इस पर रखना है, अप्लाई करना है कि नहीं कि यही वैल्यू होना चाहिए, अगर ये वैल्यू नहीं होगा तो आपको वो एंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ जो कंडीशन यू कैन से, ठीक है, अगर आपको सेट करना है तो यू कैन सेट यूजिंग द ट्रिगर ड्यूरिंग द अपडेट डिलीट इंसर्ट, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रिगर्स, ओके, ईच ट्रिगर इज एसोसिएटेड विद द टेबल व्हिच इज एक्टिवेटेड ऑन एनी डीएमएल स्टेटमेंट, डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट व्हिच इज एक्टिवेटेड ऑन डीएमएल स्टेटमेंट सच एज इंसर्ट अपडेट डिलीट। अगर आपने ट्रिगर सेट किया है कि कोई कॉलम नेम है उसका वैल्यू लेस देन जीरो या तो लेस देन 50 नहीं होना चाहिए, अगर कोई इंसर्ट कर रहा है और लेस देन 50 हो गया तो ट्रिगर विल बी जनरेट, क्या होगा, ट्रिगर जनरेट होगा, ओके, अगर डिलीट है तो डिलीट के एट द टाइम ऑफ डिलीट क्वेरी आप लिख रहे हो, उसके पहले आपने क्रिएट किया ट्रिगर्स के ये जो रिकॉर्ड्स है या तो ये जो कॉलम्स का वैल्यू अगर आईडी इक्वल्स टू 2 है, अगर वो कोई डिलीट करेगा तो ट्रिगर जनरेट होना चाहिए, ओके, नहीं करने देना है या तो आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द ट्रिगर, यू विल क्रिएट द ट्रिगर, ओके, मतलब जो कंस्टेंट आप अप्लाई करे थे, तो वी हैव द नॉट नल कंस्टेंट, वी हैव द यूनिक कंस्टेंट, ओके, प्राइमरी की कंस्टेंट, ठीक है, ऑल आर द कंस्टेंट, बट वो कैसे था कि पर्टिकुलर कॉलम के लिए था, बट इफ यू वांट टू डू पुश सम कंडीशन और अप्लाई द कंडीशन टू द स्टेटमेंट इंसर्ट अपडेट डिलीट की ये करने से ये, एट दैट टाइम यू कैन क्रिएट द ट्रिगर्स, आप क्या कर सकते हो, ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हो, ओके, ए ट्रिगर इज कॉल्ड अ स्पेशल प्रोसीजर because it cannot be called directly like a store procedure, okay, वो automatically create होगा, आपने उसमें जो condition set करके रखा होगा, अगर वो condition fulfill नहीं हो रहा तो automatically trigger भी जो है वो response देगा, ठीक है, the main difference between the trigger and procedure, trigger is called automatically, okay, triggers automatically call होगा when a data modification event is made against a table, ठीक है, automatically होगा, बट प्रोसीजर हमको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, ओके, जो हम इन द पीएलएस माइस पीएलएस में हमने देखा प्रोसीजर एंड फंक्शन बोथ आर द सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस, के फंक्शन विल रिटर्न सम वैल्यू एंड प्रोसीजर विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू,
ओके तो अगर हमने प्रोसीजर बना के रखा है तो वी हैव टू कॉल दैट, बट ट्रिगर का ऐसे नहीं, ट्रिगर विल ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, जिस उसमें हमने जो कंडीशन डाला है अगर वो कंडीशन वायोलेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर विल जनरेट. ओके वी विल सी द एग्जांपल, तो आपको क्लियर आइडिया आएगा. जनरली ट्रिगर्स आर ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू एसक्यूएल स्टैंडर्ड, द रो लेवल ट्रिगर्स एंड स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर्स. ओके यस दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स, द फर्स्ट इज रो लेवल ट्रिगर्स एंड द सेकेंड इज स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर्स. ओके टू लेवल पे हम लोग ट्रिगर्स वी कैन क्रिएट और वी कैन यूज. द फर्स्ट इज रो लेवल, इट इज अ ट्रिगर विच इज एक्टिवेटेड फॉर ईच रो बाय ट्रिगरिंग स्टेटमेंट सच एज इंसर्ट अपडेट डिलीट. ओके फॉर एग्जाम्पल इफ अ टेबल हैज इंसर्टेड अपडेट और डिलीट मल्टीपल रोज, द रो ट्रिगर इज फायर्ड ऑटोमेटिकली फॉर ईच रो अफेक्टेड बाय इंसर्ट अपडेट डिलीट. ओके तो अगर रो पर्टिकुलर रो को आपको मतलब रोज पे करना है, ठीक है, so you can use the row level triggers. And statement level, it is a trigger which fired once for each event that occurs on a table regardless of how many rows are inserted, update or delete. Okay, table pe agar karna hai aapko to you will use the statement level trigger, but MySQL jo hai that does not support the statement level triggers. So hum log kaun sa trigger use karenge? Row level triggers. Okay to ye aapko yaad rakhna hai, jo MySQL jo hai, theek hai, MySQL does not support statement level triggers. Okay, MySQL जो हम लोग use कर रहे हैं वो statement level triggers support नहीं करता. It supports only row level triggers. Okay, ठीक है चलो. Now when we need or use triggers in MySQL, कभी हमको ज़रूरत पड़ेगी. Why we have to use triggers? Okay, यार what is the use of triggers or what is the need of the triggers? So triggers help us to enforce business rules. Okay, rules business मतलब क्या? Particular industry जो rules है वो. रूल्स अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इंसर्ट करना है तो कोई वैल्यू, कोई कॉलम का वैल्यू अगर आप कंडीशन डालोगे कि इसमें इंसर्ट करना है पर लेस देन 50 नहीं होना चाहिए, तो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, तो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो पर्टिकुलर रूल इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंसर्ट, एट द टाइम ऑफ डिलीट, एट द टाइम ऑफ अपडेट, ठीक है, तो दिस इज यूजफुल फॉर ट्रिगर्स. अभी तक हमने इंसर्ट किया तो हमने कैसे किया, डायरेक्टली इंसर्ट किया, हमने कोई कंडीशन डाला था, नो वी हैव अप्लाई द कंस्टेंट, बट कौन से कंस्टेंट, तो ब्लैंक नहीं होना चाहिए या तो यूनिक होना चाहिए, दैट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट वी हैव अप्लाई. ओके बट हमने ऐसे कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई किया था, रूल अप्लाई किया था कि इंसर्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाना, या तो ये करवाना है, डिलीट करना है तो अपडेट करना है, तो ये नहीं अपडेट होना चाहिए, ये अपडेट होना चाहिए. हाँ वेयर कंडीशन वी हैव अप्लाई फॉर द अपडेट के लिए हमने वेयर कंडीशन अप्लाई किया, बट जब पर्टिकुलर अगर फॉर एग्जाम्पल जिसका आईडी 1 है उसका सिटी कभी भी 10, उसका सिटी कभी भी मुंबई नहीं करना है, ऐसा कोई हमने किया? नो. ठीक है तो पर्टिकुलर रूल्स अगर आपको अप्लाई करना है, कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, एट दैट टाइम यू कैन यूज द ट्रिगर्स. ओके एंड ट्रिगर्स वी विल अप्लाई द ट्रिगर्स विद द डीएमएल स्टेटमेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स कमांड्स जो है, व्हिच आर द डीएमएल कमांड्स, व्हिच आर द डीएमएल स्टेटमेंट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशंस. ठीक है वाय उसको डीएमएल बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जब इंसर्ट करते हैं तो डेटा को अफेक्ट हो रहा है, डेटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट करें तो डेटा विल बी चेंज, डिलीट करें तो डेटा डिलीट होगा, तो दैट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ओके डेटा पे हम लोग काम करें. एंड डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जब हम लोग टेबल या तो डेटा बेस के स्ट्रक्चर के साथ काम करें, ओके तो दैट इज कॉल्ड द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. टेबल क्रिएट करना, डेटा बेस क्रिएट करना, टेबल अल्टर करना, टेबल ड्रॉप करना, तो ऑल आर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स. ओके आपको याद रखना है. तो ट्रिगर्स हेल्प अस टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स. ओके जो रूल्स फॉर एग्जांपल आपको कोई रूल्स एनफोर्स करना, कुछ रूल्स अप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो यू कैन यूज इट ट्रिगर्स. ट्रिगर्स हेल्प अस टू वैलिडेट डेटा इवन बिफोर दे आर इंसर्टेड और अपडेटेड. ओके ट्रिगर्स हेल्प अस टू वैलिडेट द डेटा, डेटा आपको वैलिडेशन करना है, फॉर एग्जांपल हमने वैलिडेशन यूज किया था इन द जावास्क्रिप्ट और उसमें के यही डेटा डालना है, पर्टिकुलर डेटा ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, बिफोर इंसर्ट और अपडेट द डेटा. इंसर्ट करने से पहले आपको यूजर को बोलना है नहीं आपको ऐसे ही डेटा डालना है, दिस यू हैव टू एंटर, ओके ऐसे ही करो, तो यू कैन वैलिडेट द डेटा, अगर आप वैलिडेशन कर सकते हो डेटा के साथ, ओके यूजिंग द ट्रिगर्स. ट्रिगर्स हेल्प अस टू कीप अ लॉग ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक मेंटेनिंग ऑडिट ट्रेल्स इन टेबल्स. ओके ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा बिकॉज जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस. ओके तो इसको छोड़ दो. क्या बोला इसमें, ट्रिगर्स हेल्प अस टू कीप ए लॉग ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक मेंटेनिंग ऑडिट ट्रेल्स इन टेबल्स, मतलब जो भी हम लोग
टेबल में कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट करे, अपडेट करे, डिलीट करे, तो एट दैट टाइम कुछ उसमें हम लोग जो ट्रिगर्स अप्लाई किया है, ओके, तो ट्रिगर्स वायोलेट हो रहा है कि नहीं, अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड्स जो है यू कैन सेव. SQL triggers provide an alternative way to check the integrity of data. Okay, you can check the integrity of data. Correct data डाल रहे हो कि आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला कि at the time of insert आप user को बोल सकते हो using the triggers कि आपको ऐसे ही data डालना है या तो ये नहीं डालना है, ठीक है, तो you can check the integrity of the data. Okay, integrity मतलब क्या, correct data should be entered. तो आप insert, update, delete के time पे आपको correct insert करवाना है, correct data you have to update या तो delete करवाना है, तो you can use triggers. Okay. Triggers increase the performance of SQL queries because it does not need to compile each time the query is executed. Okay? It increases the performance. Why? Because it does not need to compile every time the query is executed. Automatically वो हो रहा है, उसको compile करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? Automatically वो execute होगा. And triggers are easy to maintain. Okay? Triggers are easy to maintain. These are the advantages of triggers. Okay? Yes. Types of triggers in MySQL. Okay? We can define the maximum 6 type of actions or events in form of triggers. Okay, see what is this line? Kya likha isme? We can define the maximum 6 type of actions or events. Okay, aap action define kar sakte. You can define the some events. Okay, in form of triggers ke form mein. Okay, in form of triggers, you can apply rules. You can say, you can apply some conditions. You can say, or you can apply some actions or events in form of triggers. In form of triggers, okay. So triggers मतलब क्या? आप events उसको बोल सकते हो. आप event कुछ define कर रहे हो तो you can say कि आप conditions define कर रहे हो. ठीक है, तो वह कभी-कभी कर सकते हो. The first is before insert. Insert से पहले आपको check करवाना है. Before user कुछ insert कर रहा है, okay? या तो data insert कर रहा है user, तो before inserting आप check करवा सकते हो कि वो valid एंटर करने जा रहा है कि नहीं. ओके, तो इट इज एक्टिवेटेड बिफोर द इंसर्शन ऑफ डेटा इनटू द टेबल. आफ्टर इंसर्ट इट इज एक्टिवेटेड आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डेटा इनटू टेबल. ओके, डेटा ने यूजर ने डेटा डाल दिया टेबल में, उसके बाद यू हैव टू चेक कि उसने करेक्ट डाला है कि नहीं डाला है. ठीक है, तो आप आफ्टर इंसर्ट यूज कर सकते हो. बिफोर अपडेट, ओके, अपडेट से पहले आप चेक कर सकते हो कि ये डेटा मतलब टेबल में अपडेट होने से पहले यू विल चेक. ओके, और अगर वो अकॉर्ड आप कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपडेट नहीं हो रहा था, आप उसको टेबल में अपडेट नहीं करने दोगे. सेम आफ्टर द अपडेट, अपडेट टेबल में अपडेट होने के बाद यू विल चेक कि करेक्ट अपडेट हुआ है कि नहीं. बोथ द कंडीशन आप कैसे, एक तो टेबल में अपडेट होने से पहले, टेबल में इंसर्ट होने से पहले और टेबल में डिलीट होने से पहले यू कैन चेक कि करेक्ट है कि नहीं. अदरवाइज टेबल में अपडेट हो गया, टेबल से डिलीट हो गया, टेबल में इंसर्ट हो गया, उसके बाद आप चेक करोगे. बिफोर द एक्शन एंड आफ्टर द एक्शन यू कैन apply the triggers. Okay, or you can create the triggers. Why? For to you can say okay, to check for particular conditions. Okay, ऐसे insert हुआ है कि नहीं, या तो होने के बाद you can check कैसे insert valid insert किया है कि नहीं. ठीक है, where we use the statement that does not use insert, update or delete query to change the data in table, the triggers associated with the trigger will not be invoked. Okay, how to create triggers? See, कैसे करना, example देखते तो आपको easily समझ में आ जाएगा. Yes, how to create triggers? So we can create the triggers using create trigger statement. Okay, so see what is the syntax. Create लिखना है, triggers also लिखना है, and you have to write the triggers name. आपको triggers name देना है, जैसे table का name दे रहे हो, प्रोसीजर का नेम दे रहे हो, फंक्शन का नेम दे रहे हो, तो यू हैव टू मेंशन द ट्रिगर नेम. आपको ट्रिगर का नेम देना है, आप भी कोई भी नेम दे सकते हो. क्रिएट ट्रिगर एंड गिव एनी नेम, देन यू हैव इन द ब्रैकेट यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपको आफ्टर ट्रिगर क्रिएट करना है कि बिफोर. ओके, आफ्टर मतलब क्या, चेंजेस होने के बाद आपको चेक करना है, या तो बिफोर मतलब टेबल में चेंजेस होने से पहले इफ यू वांट टू चेक. तो टू टाइप्स ऑफ ट्रिगर, आफ्टर एंड बिफोर. ओके, तो आपको मेंशन करना है कि विच टाइप ऑफ ट्रिगर यू वांट टू क्रिएट, after के before, then second bracket कोई भी एक ही value you will pass, you will pass only one value after or before, दोनों साथ में pass नहीं कर सकते. insert, update or delete, आपको कौन से किसके लिए trigger create करना है, insert command के लिए, insert statement के लिए if you want to do, या और update के लिए और के delete के लिए, जिसके लिए आपको करना है. okay, insert check करवाना है, update का value change मतलब during the update you want to check or during the delete you want to check the data. okay, तो इसमें से कोई एक value you will pass. Okay, then you have to write on keyword. On is a keyword.
क्रिएट ट्रिगर इज अ कीवर्ड, ये सब कीवर्ड्स है, ऑन यूजर इज कीवर्ड, ट्रिगर नेम इज यूजर नेम, यूजर डिफाइंड नेम, ओके यस. देन ऑन करके टेबल नेम के कौन से टेबल के लिए आपको चेक करवाना है. इफ यू आर गोइंग टू इंसर्टिंग स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करो तो स्टूडेंट टेबल का आपको करवाना है, टेबल पे चेक करवाना है, तो यू विल राइट द टेबल नेम. ओके फॉर, फॉर अगेन इज अ कीवर्ड, ईच रो, ठीक है, रो ईच रो, हर एक रो के लिए आप करवाने जा रहे हो, ठीक है, या तो जो रो उसके लिए आपको नेम जो भी आप दोगे कंडीशन उसके लिए. एंड देन राइट द बिगिंस एंड ट्रिगर कोड एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड एंड. ओके तो ये जो ऊपर था इतना दैट इज अ फिक्स, ओके इट इज आल्सो फिक्स, एंड विद इन बिगिन एंड एंड यू विल राइट द वेरिएबल डिक्लेरेशन और ट्रिगर कोड क्या क्या चेक करवाना है. ओके फॉर एग्जांपल कंडीशन देना है कि ये कॉलम का वैल्यू लेस देन 10 नहीं होना चाहिए, तो जो भी आपको ट्रिगर्स जिसके लिए बना रहे हो, जो कॉलम्स की जो कंडीशंस के लिए ट्रिगर्स बना रहे हो, ट्रिगर कोड कम्स हियर. ओके ओके ये पैरामीटर एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट पैरामीटर्स है, ठीक है, हम लोग वही है जो मैंने आपको बताया. ओके यस द ट्रिगर बॉडी कैन एक्सेस, ठीक है, दिस इज अ ट्रिगर बॉडी, दिस इज अ ट्रिगर बॉडी, ठीक है, ये ट्रिगर्स बॉडी, उसमें क्या होगा, द ट्रिगर्स बॉडी कैन एक्सेस द कॉलम्स वैल्यू, ठीक है, कॉलम्स वैल्यू, उसमें मैंने आपको बताया वी विल राइट द कंडीशंस, हम लोग कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है, कि जो सैलरी है वो ये नहीं होना चाहिए, लेस देन 10 वगैरह इंसर्ट करते टाइम, या तो जब डेटा इंसर्ट करवा रहे हो तो वैल्यू ऐसे होना चाहिए, जो भी आप कंडीशन डिफाइन करोगे, द ट्रिगर बॉडी कैन एक्सेस द कॉलम्स वैल्यू विच आर अफेक्टेड बाय द बीएमएस स्टेटमेंट्स, ठीक है. द न्यू एंड ओल्ड मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द कॉलम्स वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर the execution of statement. हमने बताया कि before and after we can create the triggers of two type, before and after. तो before and after के लिए हमको वो वैल्यू चेक करवाना पड़ेगा ना, तो ओल्ड वैल्यू के न्यू वैल्यू, तो उसके लिए वी विल यूज द टू मॉडिफायर्स न्यू एंड ओल्ड. ओके इंसर्ट करवा रहे हम लोग, ठीक है, हमको ट्रिगर्स चेक करवाना है तो हमको टू मॉडिफायर्स जस्ट रिटर्न हम लोग उसका प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा. यस अभिषेक mute yourself. Okay. Just अभी याद रखो, we will see one example, तो आपको समझ में आएगा कि yes, ये क्या है. Okay. The new and old modifiers are used to distinguish the columns values before and after the execution of the statement. We can use the column name with new and old modifier. We can use the column name with the new and old modifiers as old dot column name and new dot column name. Why? Because we are going to check the values. Okay, हम values check करने वाले हैं. एक तो आप पहले या तो after. Okay, तो अगर हम लोग पहले use करें before triggers use करें तो हम लोग क्या keyword use करेंगे? Old dot column name, जिसका value check करवा रहे. अगर after we are using the after triggers, हम लोग after triggers use करें तो आप क्या word use, क्या उसके साथ use करें column के साथ new check करोगे. जो new value डाला तो वो ये है. Okay, for that condition, after and before triggers के लिए आप old and new modifier will be used with the columns name के साथ. Okay, the old dot column name and indicates the column of an existing row before the updation or deletion occurs. Okay, जो मैंने बताया भाई. And new dot column name indicates the column of new row that will be inserted or an existing row after it is updated. Okay, for example, suppose we want to update the column. मैसेज इन्फो करके कॉलम है, ठीक है, उसको हमको अपडेट करना है यूजिंग द ट्रिगर, से हमको अपडेट करना है. ओके सपोज वी हैव वन कॉलम, मैसेज इन्फो करके कॉलम है हमारे पास, ठीक है, मैसेज इन्फो करके कॉलम है, वी वांट टू अपडेट दैट यूजिंग द ट्रिगर, से उसको हम अपडेट करना है. तो इन द ट्रिगर बॉडी वी कैन एक्सेस द कॉलम वैल्यू बिफोर द अपडेट, कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे, ओल्ड डॉट मैसेज इन्फो एंड न्यू वैल्यू मतलब क्या, न्यू डॉट मैसेज इन्फो. ओके मतलब मैसेज इन्फो जो कॉलम है दैट हम लोग यूज करेंगे. ओके बट ओल्ड बिफोर ट्रिगर अपडेट से पहले हम लोग ओल्ड लिखेंगे एंड आफ्टर अपडेट के बाद हम लोग लिखेंगे न्यू एंड यू हैव टू राइट डॉट. ओके तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग. ओके फॉर एग्जांपल वन टेबल वी हैव क्रिएटेड एम्प्लॉय टेबल, हम लोगों ने क्रिएट किया है. ओके वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, कैसे क्रिएट करना है यू नो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, नेम दे दिया, नॉट नल, ऑक्यूपेशन है नॉट नल, वर्किंग डेट, वर्किंग आवर्स. ओके यस तो इन एम्प्लॉय टेबल वी हैव फोर कॉलम्स, नेम, ऑक्यूपेशन, वर्किंग डेट एंड वर्किंग आवर्स. ओके नाउ अब हम लोग उसमें डेटा एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट द बिलो स्टेटमेंट टू फिल द रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल्स, ठीक है, हम लोग इंसर्ट करें.
आपको पता है कैसे इंसर्ट करना है. जस्ट अभी हमने टेबल क्रिएट किया एंड वी आर इंसर्टिंग द डेटा. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज टेबल नेम्स वैल्यूज एंड ये सब वैल्यूज. तो यूजिंग दिस यू कैन एंटर द मल्टीपल वैल्यूज. ये आपको पता है ठीक है. तो हमने टेबल क्रिएट किया एंड उसमें वैल्यूज डाला ठीक है. नेक्स्ट एग्जीक्यूट द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू वेरीफाई द रिकॉर्ड्स ठीक है. तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय किया, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय किया, तो आपको ये रिकॉर्ड जो हमने डाला था वो टेबल शो हो रहा है. ये आपको पता है. इतने तक हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव डन ओके. ये हमने किया. नाउ सी नेम है, ऑक्यूपेशन है, वर्किंग डेट एंड वर्किंग आवर्स ओके. वी हैव एंटर्ड दी ऑल दी वैल्यूज ओके. नाउ सी नेक्स्ट वी विल क्रिएट ए बिफोर इंसर्ट ट्रिगर. हमको ट्रिगर क्रिएट करना है. कौन सा ट्रिगर क्रिएट करना है? बिफोर इंसर्ट ट्रिगर. We want to create the triggers. We can create the six type of triggers: before insert, after insert, before delete, after delete, before update, after delete. We can create six type of triggers. Okay. अभी हमको उसमें से करना है, create करना है before insert triggers. This trigger is invoke automatically. Okay. ये trigger automatically work करेगा. Okay. This trigger is invoke automatically. Insert the working hours equals to zero. Okay. If वर्किंग आवर्स जीरो ठीक है. यहाँ पे वर्किंग आवर्स क्या है? इतना है ठीक है. तो व्हेन यूजर कोई भी जो यूजर जो है डेटा इंसर्ट करा वर्किंग आवर्स लेस देन जीरो डाल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो का ओके. क्या ट्रिगर्स हम लोग सेट कर रहे हैं कि व्हेन समवन ट्राइज टू इंसर्ट वर्किंग आवर्स लेस देन जीरो. ये जो वर्किंग आवर्स है अगर कोई ने किसी ने लेस देन जीरो डालने का ट्राई किया तो ऑटोमेटिकली अगर सपोज उसने वर्किंग आवर्स माइनस वन डाला है, माइनस टेन डाला है तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स वर्क होगा, एग्जीक्यूट होगा और उस वहां पे वैल्यू क्या सेट कर देगा? जीरो. क्लियर ओके. मतलब डेटा इंटीग्रिटी, करेक्ट डेटा हम लोग एंटर करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने क्या कंडीशन लिखा है? अगर कोई वर्किंग आवर्स लेस देन जीरो डालने का ट्राई करेगा या तो उसने डाला है ओके तो क्या होना चाहिए कि वर्किंग आवर्स जीरो होना चाहिए. मतलब माइनस टेन, माइनस फाइव कोई डाल रहा है तो वो तभी वर्किंग आवर्स क्या हो जाना चाहिए? जीरो. तो ऐसे हम लोग कंडीशन में लिख सकते हैं. नो ऐसा अभी तक हमने कभी कुछ नहीं किया ठीक है. बट नाउ वी कैन डू दिस यूजिंग द ट्रिगर्स. हम लोग क्या कर किससे कर सकते हैं? ट्रिगर्स से कर सकते हैं ओके. तो हमने क्या किया ओके कि दिस ट्रिगर इज इनवॉक. हम लोग ट्रिगर्स क्रिएट करें बिफोर इंसर्ट ट्रिगर्स वी आर क्रिएटिंग ओके. अगर कोई बंदा या तो कोई यूजर्स लेस देन जीरो डालेगा वर्किंग आवर्स तो उसका वैल्यू जीरो जाना चाहिए. तो वो लेस देन डाल रहा है, लेस देन जीरो वैल्यू डाल रहा है, माइनस का वैल्यू डाल रहा है तो उसका वर्किंग आवर टेबल में क्या दिखना चाहिए? जीरो दिखना चाहिए, माइनस वाला वैल्यू नहीं दिखना चाहिए. वैसे हमको करना है ठीक है. तो उसके लिए व्हाट टू राइट, आप क्या करोगे ठीक है? जस्ट क्रिएट ट्रिगर्स ये छोड़ दो अभी ठीक है. जस्ट यहाँ से करो क्रिएट ट्रिगर्स ओके. सिंटेक्स आपको पता है, क्रिएट लिखना है, ट्रिगर्स लिखना है, बिफोर ओके, बिफोर ओके, देन इंसर्ट आपको जो भी नेम देना है. सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट ना, ये कंफ्यूज हो रहा है ना, इसको मैं इग्नोर करती हूँ ओके. तो दिस इज अ ट्रिगर नेम, दिस इज अ ट्रिगर नेम. ये क्या है? ट्रिगर नेम. अब हमारा सिंटेक्स क्या था? क्रिएट लिखना है, ट्रिगर लिखना है एंड गिव द ट्रिगर नेम. तो हमने ट्रिगर नेम दिया है बिफोर इंसर्ट, बिफोर अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स. ये हमारा ट्रिगर्स नेम है ठीक है. देन यू हैव टू राइट आफ्टर और बिफोर, आपको मेंशन करना है. तो हमने क्या किया है, कौन सा ट्रिगर हमको क्रिएट करना है? बिफोर ओके. तो हमने यहाँ पे बिफोर लिखा. देन क्या करना है? इंसर्ट करना है अपडेट के लिए. तो इंसर्ट के लिए तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट लिखा. देन ऑन इज अ कीवर्ड अगेन ओके. देन टेबल नेम, सिंटेक्स हमने ऊपर देखा वही सिंटेक्स है ओके. देन टेबल नेम, व्हाट इज अ टेबल नेम? एम्प्लॉय फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए, कोई पर्टिकुलर रो नहीं, हर एक रो के लिए ठीक है. कोई भी रो के लिए अगर डाला है तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया फॉर ईच रो. बिगिन, नाउ बिगिन, तो विद इन बिगिन वी विल राइट अवर कोड ओके. वी विल राइट दी ट्रिगर कोड. तो हमने क्या लिखा है? इफ न्यू डॉट वर्किंग आवर्स ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग के बाद ओके. आफ्टर इंसर्टिंग के बाद इफ, यहाँ पे हमने क्या कीवर्ड यूज किया है? न्यू ओके. मैंने आपको बताया वी कैन यूज टू टाइप्स ऑफ मॉडिफायर, न्यू या तो ओल्ड. तो इफ न्यू डॉट वर्किंग आवर्स, अगर न्यू डॉट वर्किंग आवर्स लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो हमको क्या सेट करना है? देन सेट new dot working hour equals to zero. मतलब अगर कोई working hours less than zero minus में डाल रहा है तो उसको हमको table में क्या दिखना चाहिए? क्या set करना है? zero set करना है. तो this is trigger, automatically set हो जाएगा ठीक, automatically zero हो जाएगा, table में minus value नहीं जाएगा okay. and if कर दिया and end कर दिया okay.
इफ द ट्रिगर इज क्रिएटेड सक्सेसफुली वी विल गेट द आउटपुट एज फॉलो. ठीक है, हमको क्या आउटपुट मिलेगा, हमने ये कोड किया, सी क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम दिया, बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय फॉर ईच रो, बिगिन इफ न्यू डॉट वर्किंग आवर लेस देन 0 देन सेट वर्किंग आवर 0 एंड इफ एंड, जब एंटर करोगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, क्वेरी ओके. जैसे हमको आ रहा है दिस इज माय स्कूल, हमने यहां पे यूज के माय स्कूल यूज कर रहे थे हम लोग, उसमें ये है. ठीक है, नाउ नाउ ये ट्रिगर्स क्रिएट हो गया. ठीक है, नाउ अभी उसको हम लोग देखते चेक करते कि वो करेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं. ओके, नाउ वी कैन वी यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू इनवोक दिस ट्रिगर्स. ठीक है, एक हमने वैल्यू डाला, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज, मार्कस करके उसका नेम डाला है, ऑक्यूपेशन डाला है, डेट डाला है एंड उसका वर्किंग आवर्स 14 डाला है. ठीक है, सेकेंड हमने इंसर्ट वैल्यू करवा रहे हैं, अलेक्जेंडर डाला है, ऑक्यूपेशन डाला है, उसका डेट डाला है एंड वर्किंग आवर्स से हमने क्या डाला है, माइनस थर्टीन वर्किंग आवर्स वी हैव एंटर -13. तो हमारा कंडीशन क्या था, हमने ट्रिगर्स क्या क्रिएट किया था, अगर कोई -13 डाल रहा है तो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए टेबल में, वर्किंग आवर्स टेबल में क्या हो जाना चाहिए, 0 सेट हो जाना चाहिए. तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द अबोव स्टेटमेंट वी विल गेट द फॉलोइंग आउटपुट, हमको आउटपुट क्या मिलेगा, दिस वन, ये हमको आउटपुट ऐसे मिलेगा, 0. क्या कर दिया, अलेक्जेंडर एक्टर वर्किंग डेट एंड क्या डाल दिया, 0, मतलब एरर नहीं आया. ओके, एरर नहीं आया. हाँ, अगर आप लोग ट्रिगर्स अप्लाई नहीं करते तो एरर विल कम्स. ओके, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 सेट कर दिया. इन दिस आउटपुट वी कैन सी दैट ऑन इंसर्टिंग द नेगेटिव वैल्यूज इनटू द वर्किंग आवर्स कॉलम ऑफ द टेबल विल ऑटोमेटिकली फिल दिस 0 वैल्यू बाय द ट्रिगर्स. ये वैल्यू 0 किसने सेट किया, ट्रिगर्स, इंसर्ट के टाइम पे. क्लियर, दिस इज अ ट्रिगर. जब आप वैल्यू टेबल सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे, आपने यहाँ पे -13 वैल्यू, 14 वाला तो करेक्ट है. ओके, तो मार्कस फॉर्म में ये तो होगा, बट यहाँ पे हम लोग वी हैव एंटर्ड द -13 वैल्यू. हमने ट्रिगर में क्या कंडीशन डाला था कि माइनस नहीं होना चाहिए, अगर माइनस डाल रहा है तो क्या सेट करना है, 0. तो वर्किंग आवर यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, 0 इंस्टेड ऑफ -13. व्हाई, बिकॉज ऑफ ट्रिगर्स. तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स वर्क करेगा. यहाँ पे 14 डाला तो उसने कुछ नहीं किया, करेक्ट है. हाँ, बट जब यूजर यहाँ पे वर्किंग आवर्स लेस देन 0 डालने जा रहा है, देन इट विल सेट दिस 0, और वो कर रहा है सेट. क्लियर ट्रिगर्स, क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नो, इजी है, यस, यस मैम. ओके, अदर स्टूडेंट प्लीज, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिगर, यस और नो स्टूडेंट्स? अगर नहीं समझ में आया तो अगेन आई विल एक्सप्लेन. ट्रिगर्स मतलब क्या, कि जो हम लोग कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे थे, ओके, सेम वही है बट फॉर द इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए. ओके, फॉर इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए है. ठीक है, किसके लिए, फॉर इंसर्ट अपडेट डिलीट. क्लियर, ओके, तो फॉर सेम हम लोग ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हैं अपडेट के टाइम पे भी, डिलीट के टाइम पे भी. ओके, अपडेट एंड डिलीट के लिए वी कैन डू सेम, हम लोग सेम कर सकते हैं. तो ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड यू हैव टू ट्राई एट होम. ठीक है, आप उसको रन करके देखना है. ठीक है, सेम अपडेट के लिए भी, इंसर्ट के लिए आप जैसे हमने अपडेट के लिए वैसे ही करना है आपको. ओके, तो यू कैन डू, ओके, एट होम आप ट्राई कर सकते हो, कुछ उसमें न्यू है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रिगर एंड माई एसक्यूएल इज नॉट सपोर्टिंग स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, सपोर्ट नहीं करता. कौन सा ट्रिगर सपोर्ट करता है, रो लेवल ट्रिगर्स. ठीक है, जैसे इंसर्ट के लिए किया, यू कैन डू फॉर दी अपडेट के लिए भी कर सकते हो, डिलीट के लिए भी कर सकते हो. क्लियर, यस और नो? आई विल प्रोवाइड दिस नोट्स, ओके, गूगल क्लास में मैं आपको डाल देती हूँ, तो उसको प्लीज